लोरी दूध की कटोरी, दूध में पताशा। अरे YouTube क्रिएटर स्टूडियो बीटा के अंदर वीडियो कैसे अपलोड करनी है सीख लो, वरना हो जाएगा तमाशा। गाइस अभी रुको रुको, इस वीडियो में बताने वाला हूँ YouTube क्रिएटर स्टूडियो बीटा के अंदर वीडियोस को कैसे अपलोड कर सकते हो, क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है, कैसे अपलोड करना पड़ता है। अरे क्लासिक स्टूडियो बीटा तो पुराना हो गया, अरे 2019 में आओ ना, ये वीडियो देखते रहना, नए नए फीचर्स के साथ बताता हूँ, देखते रहना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप जाओ तो यहाँ पर यार रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई शायद, नहीं हुई। यहाँ पर अगर आप जाओ तो यहाँ पर आपको मोनिटाइजेशन का बटन दिखेगा, अगर आप चाहो तो मोनिटाइजेशन अप्लाई एनेबल कर सकते हो, वहां पर क्लिक कर सकते हो। अब ये तो मेनली बात है, सबको पता है, आगे आपको फीचर्स बताता हूँ मेन है क्या। यहाँ पर आप थंबनेल सेट कर सकते हो, थंबनेल ब्राउज करके लगा सकते हो, यहाँ पर थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, अगर आपने थंबनेल बना रखा है तो यहाँ पर आप थंबनेल को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आगे एडवांस सेटिंग, सबसे मेन तो यही है, यहाँ पर आपको दिखेगा प्लेलिस्ट कि अगर आपको इस वीडियो को कौन सी प्लेलिस्ट में ऐड करना है। जैसे मेरी एक प्लेलिस्ट है कूल टेक की, इसको मैं इसमें ऐड कर सकता हूं। आई कार्ड लगा सकते हो आप, कार्ड जैसे कि ऊपर आई बटन में लिंक दे रखी है, ये दे रखी है, वो दे रखी है। क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक में क्या होता था, वीडियो अपलोड होने के बाद लगा सकते थे, लेकिन इसमें अब ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो अपलोड होने के बाद आपको दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ही आप अपलोड होके प्रोसेसिंग करके कार्ड्स को लगा सकते हो, टैग्स लगा सकते हो, जैसे आप लगाना चाहो, बस वीडियो में दम होना चाहिए मेरे भाई, कह रहा हूं ना मैं, दूसरे यूट्यूबर्स की बातों में मत आओ, प्रूफ करके दिखाऊंगा एक दिन मैं आपको ये सब, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ एड्स कि आपको किस टाइप्स की एड्स एनेबल करवानी है, जैसे कि डिस्प्ले एड, ओवरले एड, स्पॉन्सर्स एड, नॉन स्किपेबल एड, एंड स्क्रीन लगा सकते हो, लैंग्वेज लगा सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज में वीडियो बनाई है, हिंदी में, मलयालम में, तेलुगु में, जोन सी मर्जी आप जिसमें कंफर्टेबल है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग डेट, सिंडिकेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि ये वीडियो कहाँ कहाँ अवेलेबल हो। अब भैया ये वीडियो वहां पर भी अवेलेबल हो सकती है, जहां पर जो मोनिटाइज प्लेटफॉर्म है, जहां पर इस वीडियो में सिर्फ एड एड आए, वहां पर ये वीडियो को आप विजिबल करा सकते हो, लेकिन एवरीवेयर करोगे तो व्यूज विल बी हायर एज कम्पेयर टू मोनिटाइज प्लेटफॉर्म, समझ रहे इस बात को, तो एवरीवेयर पर रखना। यहाँ पर आप एडिशनल सेटिंग, वीडियो लोकेशन सब आप सेट कर सकते हो, और सबसे मेन चीज अब तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाउ ऑल कमेंट, ये तो सब में होता है, यहाँ पर एक नया ऑप्शन है कमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि कोई बंदा कमेंट करता है आपकी वो वाली वीडियो पर जो आप इससे अपलोड कर रहे हो, उस पर सबसे ज्यादा लाइक जो उनसे कमेंट पर होगे वो ऊपर आएगा टॉप। अगर आप यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे न्यूएस्ट, न्यूएस्ट का मतलब है जो बंदा सिलेक्ट करता जाएगा टाइम टू टाइम वो कमेंट आपके ऊपर आते रहेंगे। वैसे मेनली यूट्यूब में क्या होता है, टॉप कमेंट शो करता है, अगर आप न्यूएस्ट पे क्लिक कर दोगे टाइम टू टाइम कमेंट्स में आपको वहां पर दिखते रहेंगे, सबसे मेन चीज यही है इसमें। यहाँ पर आपको फिर प्रीव्यू एंड पब्लिश पर क्लिक करना है, यू कैन प्रीव्यू दिस वीडियो, एज मैंने बताया कि आपको क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक में नहीं प्रीव्यू कर सकते, यहाँ पर प्रीव्यू करके यहाँ पर पब्लिक करनी है, प्राइवेट करनी है, शेड्यूल भी कर सकते हो, और बस यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो ए टू जेड। इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स है, कमेंट के बहुत सारी चीजें नई नई है इसके अंदर, आप ट्राई करो, इसमें भी बहुत अच्छी अपलोडिंग हो सकती है, प्रीव्यू कर सकते हो, कमेंट को न्यूएस्ट पे, न्यूएस्ट कमेंट सबसे ऊपर शो करवा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। अरे नहीं होता तो क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक भी है मेरे भाई। बस इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी हो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आपकी मर्जी, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो घंटा वंटा कुछ मत दबाना, चले जाना, सॉरी मेरे भाई, वीडियो अच्छी लगी तो बाय बाय, लव यू, बाय बाय।